हेलो फ्रेंड, तो आज हम 2 BHK हाउस प्लान के बारे में बात करेंगे जो कि 40 फीट × 21 फीट में हमने इसे तैयार किया है। ग्राउंड फ्लोर प्लान है जो कि स्क्वायर फीट में अगर बात करें तो 866.6 स्क्वायर फीट में ये तैयार हुआ है। नॉर्थ फेस हाउस प्लान है ये, कंपास आप देख सकते हैं। तो चलिए प्लान की डिटेल में हम बात करें। तो फर्स्ट हम बात करें पार्किंग एरिया की, जो कि 9 फीट 6 इंच का चौड़ाई होने वाला है। एंड लंबाई की बात करें तो 10 फीट 10 इंच का हमने इसमें लंबाई रखी है। नेक्स्ट पार्किंग के लेफ्ट साइड बात करें तो हमने स्टेयर केस के लिए जगह छोड़ी है, जो कि 7 फीट का स्टेयर केस हमने चौड़ाई रखी है एंड 10 फीट 6 इंच का स्टेयर केस के लिए लंबाई रखी है। टोटल स्टेयर केस में हमने 18 ट्रेड प्रोवाइड किए, जो कि 18 1 साइड 9 एंड 2nd साइड 9, टोटल 18 ट्रेड हमने रखी है। नेक्स्ट हम बात करें टॉयलेट की, जो कि 7 फीट का लंबाई होने वाला है एंड 5 फीट 3 इंच का ये चौड़ाई हमने ये रखी है टॉयलेट का। यह एक कॉमन टॉयलेट है। नेक्स्ट हम बात करें एंट्री की, तो मेन एंट्री आप देख सकते हैं। मेन एंट्री जैसे करते हैं आप लिविंग रूम पे इंटर करते हैं, लिविंग रूम में ही हमने डाइनिंग एरिया प्रोवाइड की है। नेक्स्ट बात करें पूजा रूम की, तो पूजा रूम का अगर डायरेक्शन बता दें तो ये नॉर्थ ईस्ट में हमने ये डायरेक्शन रखा है। इसमें वास्तु के हिसाब से हमने थोड़ा इस पर फॉलो की है। तो जो साइज आप देख सकते हैं 3 फीट 7 इंच का होने वाला है इसकी चौड़ाई, एंड लंबाई की बात करें तो 3 फीट 1 इंच का पूजा रूम पर हमने लंबाई रखी है। नेक्स्ट बात करें बेडरूम की, तो बेडरूम 1 हमारा है जो कि 10 फीट का हमने चौड़ाई रखी है एंड 8 फीट 7 इंच का हमने लंबाई रखी है। बेडरूम का आप शेप देख सकते हैं, इस डोर के लिए हमने इस तरह से बेडरूम को कटिंग पार्टीशन किया हुआ है। नेक्स्ट बेडरूम 2nd की बात करें, जो कि अटैच बेडरूम होने वाला है, इसमें अटैच हमने टॉयलेट भी की है, जो कि 10 फीट का चौड़ाई होने वाला है एंड 12 फीट 5 इंच का लंबाई है। इसमें हमने अटैच टॉयलेट प्रोवाइड की है, जो कि 4x4 का 4 फीट × 4 फीट का टॉयलेट होने वाला है। नेक्स्ट बात करें किचन की, तो किचन हमने 7 फीट 11 इंच का रखा है जो कि चौड़ाई है, एंड लंबाई की बात करें तो 8 फीट हमने किचन रखी है। किचन में एक और एक चीज़ है, किचन में हमने बाहर घर के बाहर पूरे निकलने के लिए हमने एक डोर रखा है, जो कि OTS आपका OTS आप देख सकते हैं। OTS बता दें आपको, ओपन टू स्काई होता है इसका मतलब। ये हमने किचन से डोर ही किया है, जो कि बाहर आप इजीली निकल सकते हैं। इस पर वास एरिया के लिए हमने इसे जगह कुछ दिया है, जो कि 4 फीट × 4 फीट 5 इंच का होने वाला है। आप देख सकते हैं एक बार टोटल आप देख लीजिए एरिया, जो कि 21 फीट 8 इंच में हमने चौड़ाई इसकी रखी है एंड लंबाई की बात करें तो 40 फीट का टोटल ये लंबाई होने वाला है। स्क्वायर फीट में अगर बात करें तो 866.6 में हमने किया है। ये हमारा बिल्टअप एरिया है, जो कि हमने इस प्लान को रेडी किया है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें, तो आपको छज्जा के लिए कुछ एरिया छोड़ना पड़ेगा, जो कि आपके लिए सेटबैक एरिया अगर छोड़ते हैं तो आपको ज़्यादा इस प्लान को तभी जाके आप पूरा सही से बना सकते हैं। सेटबैक एरिया अगर छोड़ते हैं तो 1.5 फीट का आपका, 2 फीट अगर छोड़ते हैं तो आपका 1.5 फीट आपका छज्जा जब बाहर निकालेंगे तो एरिया उसमें ज़रूरी है। ओके फ्रेंड, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।